सिंड्रेला। एक समय की बात है, एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था एला। जब एला छोटी सी थी तब उसकी माँ परलोक सिधार गई और थोड़े वक्त में उसके पिता भी चल बसे। वह अपनी दुष्ट सौतेली माँ और दो घमंडी सौतेली बहनों के साथ रहती थी। वे घर का सारा काम एला से करवाते थे। वे दिन रात उस पर चिल्लाते, द्वारा साफ करो, सारी अलमारियों से धूल और मिट्टी साफ की या नहीं, मेरे कपड़ों में अभी इस्त्री करो। एला हमेशा धूल और मिट्टी से घिरी रहती थी और इसलिए उसे सब सिंड्रेला बुलाते थे। एक दिन राजकुमार ने राज्य की सारी युवतियों को एक शानदार नाच गाने के दावत पर आमंत्रित किया। राज्य के लोग और सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें भी बड़े खुश और उत्तेजित थे। सिंड्रेला भी इस जश्न में जाना चाहती थी पर उसकी सौतेली बहनें उस पर हंस पड़ी। सौतेली माँ उस पर चिल्लाई, घर बैठकर सारा फर्श साफ करो। जश्न के दिन सौतेली माँ और बहनों ने सिंड्रेला को घर में बंद किया और चले गए। सिंड्रेला दुखी होकर रोने लगी। अचानक उसने झिलमिलाती रोशनी देखी और सिंड्रेला के सामने एक सुंदर सी मुस्कान और हाथ में जादुई छड़ी लिए एक परी प्रकट हुई। आप कौन है? सिंड्रेला ने आश्चर्य से पूछा। उस परी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी परी माँ हूँ। तुम्हें जश्न में जाना है ना? मैं इसलिए तुम्हारी मदद करने आई हूँ। चलो अब रोना बंद करो। सिंड्रेला ने रोते हुए कहा, पर मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं जश्न में कैसे जा सकती हूँ? परी माँ ने मुस्कुराकर अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कहा, कद्दू बन जा तू एक शाही सवारी। फिर छड़ी घुमाई और कहा, छे चूहों शाही सवारी को चलाने के लिए तुम बन जाओ छे तेजस्वी घोड़े और एक चूहा बनेगा सेवक। एक अंतिम बार छड़ी घूमी और सिंड्रेला के धूल भरे फटे पुराने कपड़े बन गए एक सितारों से सजी सुंदर कमीज। देखा, अब तुम हूबहू राजकुमारी लग रही हो। परी माँ ने सिंड्रेला से कहा, पर चेतावनी देते हुए उसने सावधान किया, पर याद रहे तुम्हें रात के 12 बजे से पहले घर आना है क्योंकि तभी जादू टूट जाएगा। सिंड्रेला ने वादा किया, हाँ मैं भूलूंगी नहीं। परी माँ, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वह महल की ओर निकल गई। सिंड्रेला जश्न में सबसे खूबसूरत लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे पहचान नहीं पाए। वहां सारी लड़कियां सिंड्रेला से जल रही थी क्योंकि राजकुमार सिर्फ उसके साथ नाच रहा था। सिंड्रेला ने जश्न का पूरा आनंद लिया लेकिन जब उसने घड़ी में 12 बजने के ठोके सुने तब उसे परी माँ के शब्द याद आए
और वह महल से भाग निकली। पर जल्दी में वह अपना कांच का एक जूता महल की सीढ़ियों पर भूल गई। राजकुमार सिंड्रेला से प्यार करने लगा था और उसे ढूंढना चाहता था। उसने अपने मंत्रियों से कहा, राज्य के हर घर की तलाशी लो, ढूंढो उस लड़की को जिसका यह कांच का जूता है, मैं उसी से शादी करूंगा। राजकुमार के मंत्री सिंड्रेला के घर पहुंच गए। दोनों सौतेली बहनों ने बहुत कोशिश की कि उन्हें वह कांच का जूता ठीक आए, पर वे नाकामयाब रही। फिर सिंड्रेला ने पूछा, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? सारे हक्के पक्के रह गए जब सिंड्रेला ने बड़े आसानी से जूता पहन लिया। राजकुमार और सिंड्रेला की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। सौतेली माँ और बहनों ने उसे कभी तंग नहीं किया।